नमस्कार, न्यूज क्लिक आपका स्वागत है। मैं हूं मुकुंद और अभी हम मौजूद हैं शिक्षा मंत्रालय शास्त्री भवन के बाहर, जहां सैकड़ों की संख्या में अलग अलग छात्र संगठन के छात्र पहुंचे हैं। क्योंकि जिस तरीके से 18 जून को NTA ने एक एग्ज़ाम लिया था नेट का, जिसके नेट GRF का एग्ज़ाम लिया था, उसमें भी धांधली हुई है, पेपर लीक का सवाल हुआ। उसके बाद उस एग्ज़ाम को NTA ने भारत सरकार ने कैंसिल किया, लेकिन उसके बावजूद इसमें लाखों की संख्या में छात्र पेपर थे। लगभग 11 लाख छात्र इस एग्ज़ाम में बैठे थे, वो पेपर लीक हुआ। इससे पहले इसी NTA ने नीट का एग्ज़ाम लिया, जिसमें 24 लाख के आसपास छात्र अपियर होते, वो पेपर भी लीक होता है, उसमें भी गड़बड़ियों के आरोप लगते हैं और उसको भी अभी तक, हालांकि उसको भी कैंसिल नहीं किया गया। इसी को लेकर लगातार प्रदर्शन हो रहा है। देखिए, लगातार पुलिस इनको रोकने के लिए बसों के अंदर डिटेन कर रही है, छात्र बैरिकेड तोड़ के आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि पुलिस प्रशासन पूरी तरह रुका हुआ है और इनको बार बार रोकने की कोशिश कर रहा है। इन छात्रों से बात करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं क्यों प्रदर्शन करने की डिमांड क्या है और ये क्या चाहते हैं इस समय। सीधा एक डिमांड है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा और NTA को खारिज करिए। मतलब अति हो गया है, मजाक हो रहा है देश के भविष्य के साथ। ये एजुकेशन मिनिस्टर कल 5:30 बजे दिल्ली यूनिवर्सिटी में योगा का कार्यक्रम कर रहे हैं। हमारी मांग है आप योगी बन जाइए, जाइए आप हिमालय की चोटी पे योगा करिए, हमारे भविष्य के साथ खेलना बंद करिए। हर एग्जाम, नीट का एग्जाम, CUET का एग्जाम, NCERT का एग्जाम, नेट का एग्जाम, एग्जाम दर एग्जाम हमारे साथ धोखा होता है। इस देश का जो युवा है बहुसंख्यक गरीब परिवारों से, निचले मध्यम वर्ग परिवारों से आता है, वो किसी तरह सपने देखता है, मेहनत करता है, मेहनत करके एग्जाम देता है और उसके बाद हमें क्या मिलता है? हमें मिलता है केवल धोखा इस मंत्रालय से, जिसकी आंखों में इतना सा भी पानी नहीं है, इतनी सी भी शर्म नहीं है। हमारा मांग है कि हमारे छात्रों को डिटेन किया गया है, उनको वापस लाए और फिर हम धर्मेंद्र प्रधान से मिलेंगे। स्कैम इतना बड़ा घोटाला हुआ है, आप छात्राओं को अननेसेसरीली अरेस्ट कर रहे हो, ये नहीं मंजूर। मेरे को यहाँ चोट लगी है, यहाँ खून निकला है, यहाँ पे मेरे कपड़े फाड़े गए हैं और मेरे को यहाँ से घसीटा गया है। हमारा जुल्म सिर्फ इतना था कि हमारे एग्जाम को कैंसिल किया गया, उसको लेके हम आंदोलन करने आए थे। हमारी मांगे पूरे करने की बात तो छोड़िए, हमें बहुत बुरी तरीके से पुलिस प्रशासन ने मारा है। 24 लाख नीट के स्टूडेंट, 9 लाख नेट के स्टूडेंट आज सड़क पे है और साफ साफ कह रहा है हमें फुल फेयर एग्जाम चाहिए, NTA को खत्म होना चाहिए और जितने भी इस घोटाले में, इस करप्शन में जो भी नेता, जो भी ब्यूरोक्रेट शामिल है, उसको अविलंब कार्रवाई होनी चाहिए, उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। यही मांग को लेकर के आज हम लोग एजुकेशन मिनिस्ट्री पे आए हैं। यहाँ पे नेट का एग्जाम हो, CUET का एग्जाम हो, लॉ का हो, हेल्थ का एग्जाम हो, नीट का एग्जाम हो, एक एग्जाम की भी लेजिटिमेसी क्रेडिबिलिटी नहीं बची है इस सरकार में। शर्म है भाजपा पे कि धर्मेंद्र प्रधान को वापस शिक्षा मंत्री बनाया और आज तक NTA को खारिज नहीं किया गया। अरे इनसे पूछो, हमसे एलिजिबिलिटी मांगते हो, अरे तुम्हारी टेस्ट ले पाने की भी एलिजिबिलिटी नहीं है, हर एग्जाम में ये साबित हो गया है। पूरा साल मेहनत करने के बाद, यहाँ तक कि जो उस एग्जाम को कंडक्ट कराने के रिसोर्सेस यूज हो रहा है, उसको कराने के लिए जितना भी पैसा लग रहा है वो सारा हमारे टैक्स के पैसे से ही होता है, उसके बावजूद अगर NTA इसके काबिल ही नहीं है कि वो एग्जाम्स को प्रॉपरली कंडक्ट करा पाए, तो उसे एग्जाम्स कंडक्ट नहीं कराने चाहिए। हमारे फ्यूचर को स्टेक पे रख करके पूरा एग्जाम ये लोग कराते हैं और उसके बाद उसको एक दिन के बाद ही कैंसिल कर देते हैं। सबसे पहले नीट का पेपर लीक होता है और फिर तुरंत बाद UGC नेट का पेपर लीक होता है। ये साफ दिख रहा है कि NTA किस तरीके से काम कर रहा है, पेपर बेचना, दाल लिखाने का काम कर रहा है और ये सरकार उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। नीट के लिए जिन लोगों को नियुक्त किया गया है उनका हेड कौन है? उनका हेड है खुद NTA का चेयरमैन। किस तरीके का रवैया यहाँ पे किया जा रहा है? मेरे काफ़ी जूनियर्स ने इस बारी नेट का एग्जाम दिया था और नेट के एग्जाम के थ्रू इन्होंने इस बारी PhD एंट्रेंस एग्जाम को भी इंटीग्रेट कर दिया था, जिसकी वजह से अभी छात्रों का बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो रहा है। छात्र डिप्रेशन में जा रहे हैं, फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, इतना मेहनत से वो लोग तैयारी किए और अंत में उन्हें मिला क्या? धोखा। देश में एक बड़ी धांधली हुई है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा, NTA के द्वारा, और हम बार बार मांग कर रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लिया जाए, धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दिया जाए और NTA जैसी संस्था है जिसका सिलसिलेवार ढंग से रिकॉर्ड आ रहा है कि वो स्कैम कर रही है, पेपर लीक कर रही है, तो उसको निरस्त किया जाए। बिल्कुल असक्षम इनकॉम्पिटेंट एक ऑर्गेनाइजेशन है, एजेंसी है, जो एग्जाम लेने के नाम पर वो सिर्फ पेपर लीक करवा रही है, तो ऐसी संस्था को बंद किया जाए, हमारी यही मांग है। हमारी डिमांड है सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच कमेटी बिठाई जाए, उसके बाद ये धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री, UGC के चेयरमैन इस्तीफा दें, इन्हें हटाया जाए अपने पदों से, उसके बाद NTA को डिसबैंड कराया जाए, नेशनल ठग एजेंसी को बर्खास्त किया जाए और इस देश के
बहुसंख्यक छात्रों के साथ, युवाओं के साथ न्याय किया जाए। इनको लगता है कि एक बार हमारे साथ मारपीट कर देंगे, हमको डिटेन कर लेंगे तो हम रुक जाएंगे। नहीं, हमारे लिए एजुकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं SFI नाम के संगठन से आता हूँ। हम वो लोग हैं जो एजुकेशन को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, इसलिए हमारे आंदोलन रुकेंगे नहीं। ये मोदी सरकार की शुरू से आदत है, जो भी उनके खिलाफ सवाल करेगा या तो वो देशद्रोही या फिर वो जेल में जाएगा। तो हमें ना मोदी से डर है ना उनके जेल से डर है, हमें किसी बात का डर नहीं है। हमारा हक है और हम बोलते हैं और आगे भी बोलते रहेंगे। जैसा कि अपनी वीडियो की बातचीत में सुना, छात्र किस तरह से बड़ी गुस्से में है और पुलिस ने किस तरीके से उनको बड़बड़ तरीके से उठा के बसों में भरकर पुलिस स्टेशन ले गई है। इन छात्रों का सबसे बड़ा आरोप है जो शिक्षा मंत्री के राज्य में जिस तरीके से लगातार पेपर प्रतियोगी परीक्षाओं में परीक्षाएं लीक हो रही हैं और प्रश्न पत्र लीक होने के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और छात्र इससे परेशान हैं। अभी कुछ दिनों पहले ही हमने नीट का मामला देखा जिसमें 24 लाख से अधिक छात्र बैठे थे और उस पेपर में भी गड़बड़ी के आरोप लगे, और इसके बाद अभी जो नेट का एग्ज़ाम हुआ उसमें भी करीब 11 लाख के आसपास छात्र बैठे थे, वो पेपर भी लीक होता है। और इसका आरोप NTA पर है, वही NTA जो पिछले कुछ सालों में उसको लाया गया है और जितने भी देश भर में प्रतियोगी परीक्षाएं हो रही हैं उसका आयोजन वो करा रहा है और उसके द्वारा लिए गए प्रत्येक परीक्षाओं में कुछ ना कुछ गड़बड़ियों के आरोप लगते रहे। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है जो NTA का बचाव बार बार सरकार क्यों कर रही है। हालांकि नेट के मामले में 18 जून को एग्ज़ाम होता है, 19 तारीख को ही मंत्रालय उस एग्ज़ाम को कैंसिल कर देता है और उसके खिलाफ CBI इंक्वायरी भी होती है, लेकिन नीट का सवाल अभी बना हुआ है। तो छात्रों का मांग है जो NTA लगातार जिस तरह से गड़बड़ियाँ कर रहा है, इसलिए NTA को ख़त्म किया जाए और उसकी जगह जो पुरानी व्यवस्था थी या कोई और अच्छी व्यवस्था लाई जाए। दूसरा, शिक्षा मंत्री बाहर आके छात्रों के सवालों का जवाब दे, जो वो नहीं दे रहे। हालांकि जो शिक्षा सचिव थे वो बाहर आए, उन्होंने छात्रों से बातचीत करने की कोशिश करी, लेकिन छात्र ने साफ कहा शिक्षा मंत्री आके जवाब दे और उनके जो भी साथी जहाँ से हिरासत में लिए गए हैं, जिनको अलग अलग बसों में भर के ले जाया गया है, उनको वापस लाया जाए, छोड़ा जाए और उनकी मांगों को पूरा किया जाए। और उनका कहना है छात्रों का, अगर उनकी मांगें नहीं मान जाती तो ये आंदोलन और तेज होगा और इस तरह का आंदोलन लगातार चलता रहेगा। अभी के लिए बस इतना ही। इस आंदोलन से जुड़ी और बाकी अन्य खबरों के लिए न्यूज़ क्लिप देखते रहिए। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।